युद्ध कांड में समुद्र पर सेतु निर्माण से राम रावण युद्ध व अयोध्या वापसी तक के घटनाक्रम शामिल है। इसकी शुरुआत जामुंद के आदेश से राम सेना में शामिल दो भाइयों नल नील के नेतृत्व में वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने से होती है। सेतु बांधने का ये प्रसंग हमारी सामूहिकता से जुड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है। फिर भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा करना धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देता है। समुद्र के पार जाने के लिए श्री राम द्वारा ईश्वरीय सत्ता की आराधना हमारी प्राचीन परंपरा का द्योतक है। राम सेतु बनने के बाद प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ सिंघल द्वीप पर जाकर डेरा डाला। समुद्र पर सेतु बन जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण अत्यंत व्याकुल हो उठा। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु हठी और अधर्मी रावण नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबाण के वार से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान सुषेण वैद्य को लेकर आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। रावण के वैद्य द्वारा शत्रु पक्ष का इलाज करना भी हमारी परंपरा को बल देता है। रावण के सगे संबंधियों की युद्ध में मौत से रावण ने श्री राम का सामना करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया, लेकिन कुंभकर्ण ने भी राम के शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की तो लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। राम और लक्ष्मण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथातो क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथातो। ये शब्द प्रभु श्री राम ने विभीषण को रावण की मृत्यु के पश्चात कहे, जब वह अपने भ्राता रावण की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में झिझक रहे थे। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि शत्रु की मृत्यु के पश्चात उससे शत्रुता समाप्त हो जाती है। अब वह जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, अतः उसका योग्य प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रभु श्री राम के कहे ये शब्द हमारी प्राचीन परंपरा और हमारी संस्कृति है। युद्ध कांड में वानर सेना का पराक्रम, समुद्र के प्रति क्रोध, नल नील की सहायता से सेतु बंधन, कुंभकर्ण मेघनाद वध, रावण वध, मंदोदरी विलाप, विभीषण का शोक, इन सभी प्रसंगों में धर्म और भारतीय मूल्य दिखते हैं। अब जब दुनिया श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बन रही है, तो फिर से हमारी ज्ञान परंपरा और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के तेजी से आगे बढ़ने की आशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।